हम ये बताना चाहेंगे, जैसे हम लोग कुछ महीने पूर्व हमारे समाज में आषाढ़ी पूजा किया गया, जिसका निर्णय भी गांव में सामूहिकता के आधार पर किया जाता है और उसका पूजा संपन्न पाहन के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जो आदिवासियों की व्यवस्था है उसमें कई व्यवस्थाएं बनाई गई, जिसमें पाहन, कोटवार, पैन भोरा, महतो, नाइके, ये सब सारी हमारी समाज की व्यवस्थाएं हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि पाहन अगर कहीं कोई भी शरणास्थल का मिट्टी उठा के दे दिया तो सर्वे सर्वा नहीं है। जब तक गांव में सहमति नहीं होता पूरे गांव के लोगों के साथ में, तब तक हम किसी भी कार्य को हम संपन्न नहीं करा सकते। मैं बताना चाहूँगा कि जो विश्व हिंदू परिषद के इशारे पे जो हमने देखा चानों के टिकरा टोली गांव से एक गैर आदिवासी समाज से दीपेश्वर मिश्र के द्वारा पूजा संपन्न करा के मिट्टी उठाई गई, ये हमारे समाज की परंपरा से बिल्कुल भिन्न है। एक मौजा में सिर्फ पाहन ही पूजा कर सकता है, ये पूर्व से हमारी प्रथा में ये व्यवस्था है। और आज मैं हमारे सरना समाज के कई ऐसे अगुवा हैं जो हमारी परंपरा संस्कृति से भटक चुके हैं, अर्थात मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा उन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। और मैं इस मंच से कहना चाहूँगा कैसे धर्म परिवर्तन करने के साथ जो हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था है उसको कुचलने का जो काम किए हैं वो सही मायने में आज आदिवासी के गणना में नहीं आ सकते, उनको मैं आदिवासी के गणना में नहीं रख सकता। और साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि आज जो आदिवासी संस्कृति का जो हनन हो रहा है इससे पूरा समाज आक्रोशित है।